हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे बोरवेल के अंदर जो एचडीपी पाइप आता है तो उसको किस तरह से जॉइंट लगाना है, जो कि हमें कभी पाइप जो है बढ़ाने का काम पड़ता है तो इस तरह से आपको जॉइंट लगाना होगा। तो देखिए, जो हमारे दो पाइप है यहाँ पे, एक न्यू वाला और एक आप देख सकते हो यहाँ पे ओल्ड वाला, तो इसको हम ज्वाइंट करना है बीच में। तो ज्वाइंट करने के लिए देखिए, ये एस एस ज्वाइंट निप्पल आती है, तो इसके ज़रिए हम जो है इसे ज्वाइन करेंगे। तो इसमें देखिए दो होल भी है बोल्ट के लिए, पाइप बिठाने के बाद में इसमें बोल्ट लगाना होता है। तो देखिए, आपको ऑयल गर्म करना है, और बहुत सारे बंदे मुझे कमेंट में पूछते हैं कि सर ये ऑयल कौन सा है। तो ऑयल जो है ये बाइक के अंदर ख़राब जो निकलता है हमारा सर्विसिंग के बाद, वो ऑयल है, ठीक है। तो ये ऑयल आपको गर्म करना है, और इतना गर्म करना है उसमें से भाप निकलना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म करना है। गर्म करने के बाद में ऑयल को बाहर लेके आ जाना है। अब देखिए, आपको निप्पल लेना है, निप्पल के ऊपर सबसे पहले मार्क कर देना है हमें, जो होल है हमें वो मिल सके बाद में पाइप बिठाने के बाद में। तो इसके ऊपर निशानी लगा देना है होल के ऊपर, तो हमें जो है बाद में पाइप बिठाने के बाद में ही होल मिलेंगी। और साथ में आपको क्या करना है, एक काड़ी लेना है, और काड़ी की मदद से देखिए इस तरह की जो साइज़ बना लेनी है उसके दोनों होल हमें मिल सके आसानी से। तो चलिए जो है हम पाइप इसके अंदर बिठाते हैं। सबसे पहले तो आपको पाइप को जो है ऑयल के अंदर गर्म करना होगा इस तरह से, और इतना गर्म करना है उसको कि जो ज़्यादा कड़क भी ना रहे और ज़्यादा नरम भी ना हो, मीडियम साइज़ में आपको गर्म करना है। फिर आपको एक पट्टी लेनी है, और इस तरह से सामने का जो मुँह है थोड़ा सा फैला देना है, और फिर एक ऐसे निप्पल लेनी है, दोनों से किसी भी साइड में आप बिठा सकते हो। तो मैं इस वाले साइड में देखिए इस तरह से आपको दबा के बिठा देना है। फिर आपको एक कपड़ा लेना है, कपड़े की मदद से देखिए इसके ऊपर का जो ऑयल है वो पोंछ लेना है। पूरा ऑयल जो इस पे का पोंछ लेने के बाद में आपको क्या करना है, इसका होल ढूंढना है, यानी होल में आपको सुराख मारना होगा। तो स्क्रू ड्राइवर लेना है, और देखिए यहाँ पे इस तरह का होल रहता है, तो इस होल को हम देखिए अब स्क्रू ड्राइवर के जरिए इस तरह से आपको होल कर देना है। तो मुझे थोड़ा सा प्रैक्टिस है इसलिए बहुत जल्दी देखो मुझे मिल गया। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप जो है कड़ी की मदद से वो आसानी से देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। ये आपको भी आसान जाएगा अगर आपको नहीं मिलता है तो। इस तरह से आप माप साइज़ लेके रख दीजिए उसकी। अब आपको क्या करना है, बोल्ट लेना है, और बोल्ट को देखिए इस तरह से होल के ऊपर रखना है, और प्लेयर की मदद से फिर कैसे आप ठोक के इसको इस तरह से बिठा देना है। अब इसके नीचे देखिए आपको वॉइशर लगाना है। वाइशर लगाने के बाद में देखिए इसके नीचे एक नट लगा देना है, जो कि 13 mm का नट और बोल्ट है ये, और जो है हम इसको बाद में टाइट करेंगे, अभी इसे छोड़ देते हैं हम। अब देखिए, हमको इस वाले साइड का मुंह बिठाना है जब हमारा ये पूरा जॉइंट है कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले साइड में हमको पाइप बिठाना है। तो फिर से जो है हमको ऑयल के अंदर वो पाइप को जो है गर्म करना है, और मीडियम साइज़ में गर्म करना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो वो बैठेगा नहीं। तो चलिए, ये गर्म करने के बाद में आपको लेनी है पट्टी, फिर से वो पट्टी लेनी है, और सामने का मुँह इस तरह से फैलाना है, और एक किसी बंदे को जो है सामने से देखिए फैलाने के बाद में किसी बंदे को सामने से इस तरह से आपको पाइप पकड़ाना होगा, और इस तरह से आप जो है पाइप को आगे लौटना होगा। तो देखिए जो हमारा पाइप है बहुत ही आसानी से जॉइंट हो गया, पूरा पाइप जो है बैठ गया। अब इसके ऊपर का जो है ऑयल है वो हमें पोंछ लेना है। तो ये ऑयल को पोंछने के बाद में हम इसके अंदर जो है सुराख मारेंगे, जो कि बोल्ट का है। तो चलिए जो हम इसके अंदर अब सुराख लगाते हैं, यानी जो होल था हमारा नट का वो ढूंढना होगा हमें। तो देखिए, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे प्रैक्टिस इसलिए मुझे एक ही बार में मिल जाता है, मैं हमेशा इसे बिठाता हूँ। तो देखिए जो है एक ही बार में मिल गया। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करिए, उसका जो हमने मार्क लिया था काड़ी से, इस तरह से अभी आप बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हो। तो चलिए जो इसके अंदर हम अब बोल्ट लगा देते हैं। तो आपको लेना होगा बोल्ट, और इस तरह से आपको प्लेयर लेना है, और देखिए वो होल जो दिख रहा है वहाँ पे रख के इसके ऊपर इस तरह से आपको ठोकना होगा, ये ऑटोमेटिक जो है अंदर दूसरा सुराख में आर पार निकल जाएगा बाहर। अब देखिए इसके नीचे आपको वाइशर लगा देना है। वाइशर इसलिए लगाते हैं ताकि जो है पानी लीक ना हो वहाँ से सुराख में से, और इसके ऊपर जो है नट लगा देना है। अब चलिए दोनों को नट को जो है टाइट कर देना है हमें, और जिसको टाइट करने के लिए आपको 13 mm के जो है दो पानी की ज़रूरत पड़ेगी, और इस तरह से आपको टाइट करना होगा। तो ये एक जो है हमारा नट पूरा फुल टाइट हो गया। अब आपको जो है दूसरे वाले नट को टाइट करना है। तो दोस्तों, इसी तरह से अब जो है आपको बहुत ही आसानी से आपका जॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसी तरह से आपको जो है जॉइंट लगाना है, और आपका इतना मजबूत जॉइंट बैठेगा कि अभी निकलेगा नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।